भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की जिला कार्यकारिणी की घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से विचार विमर्श करने के पश्चात और कैथल के स्थानीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के पश्चात आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला कैथल भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित की जा रही है। उसमें जिनमें हमने पदाधिकारियों के रूप में जिनको दायित्व दिया है उनमें जिलाध्यक्ष की आप सभी को जानकारी है कि पहले ही घोषणा हो चुकी है। उसके पश्चात जिनको हमने जिला उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है उनमें से श्रीमती ज्योति सैनी जी, कुमारी संगीता सीवन जी, श्री सुरेश क्योड़क जी, सरदार महेंद्र सिंह चीमा जी, श्री रमेश गुप्ता एडवोकेट जी को जिला में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और इसके अलावा जिला में जिला महामंत्री के रूप में श्री रामपाल राणा जी और श्री सुरेश संधु जी को जिला में महामंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। और ठीक इसी प्रकार से जिला में सचिव के रूप में श्रीमती वीना सेठी जी, श्रीमती रमनदीप कौर चहल जी, श्री कृष्ण शर्मा पिलणी जी, श्री शक्ति सौदा एडवोकेट जी, श्री रतिराम सीवन जी और श्री राजेश बिढ़ान एडवोकेट को जिला में सचिव के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। और जिला में कोषाध्यक्ष के रूप में श्री शीशपाल जिंदल जी चीका को जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक इसी प्रकार से प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात कैथल जिला के जिला मोर्चा अध्यक्षों की भी नियुक्ति आज की जा रही है, जिसमें महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा के रूप में श्रीमती अनीता चौधरी जी को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसान मोर्चा में श्री संजीव राणा जी को जिलाध्यक्ष के रूप में किसान मोर्चा की जिम्मेवारी दी गई है। युवा मोर्चा के रूप में श्री आदित्य भारद्वाज जी को युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में श्री रवि तारावाली जी को एससी मोर्चे का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसी क्रम में हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में श्री प्रवीण प्रजापति जी को जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। और इसी प्रकार से हमने जिला में जिला स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में श्रीमती कमलेश डांडा जी, सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, विधायक श्री लीला राम जी, हैफड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी और सीएम साहब के एक और सुधार के चेयरमैन श्री रोकी मित्तल जी और जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती सुखविंदर कौर आंदली जी को जिला में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और इसी प्रकार से जिला के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया है। और फिर ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है, जिसकी सूची मेरे पास है और वो सूची आपको दे दी जाएगी। और मैं नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारियों को, मोर्चों के जिला अध्यक्षों को और भारतीय जनता पार्टी कैथल की जिला कार्यकारिणी की टीम के अंदर जिनको सदस्य के रूप में, चाहे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में या स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में या जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जिनको स्थान मिला है, मैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की यह टीम और अधिक मेहनत करके, अथक प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के संगठन को,
संगठनात्मक दृष्टि से और आगे बढ़ाते हुए इस कैथल जिले को भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मुझे इस भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त टीम पर पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगा पूरी जिला की टीम को, क्योंकि इसी जिला की टीम के आधार पर आने वाले संगठन को और मजबूती देने का काम सभी पदाधिकारियों के माध्यम से पार्टी करेगी। तो मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी, जिला के प्रदेश के महामंत्री, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। इतनी मजबूत टीम को हमारे जिला का नेतृत्व दिया है, हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती देने का काम ये टीम करेगी। थैंक यू।